जी आयु जी 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 सत्यजीत जी, आयुष जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को तस्वीरें कुछ अलग दिख रही हैं। आयुष जी, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सत्ता संभाली थी, उसी दिन पहली घोषणा योगी जी ने की थी कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ के बाहर चले जाएं, या अपनी जमानतें रद्द कराकर जेल के सलाखों के अंदर चले जाएं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी हैं वो प्रदेश की सीमा को छोड़ के बाहर चले गए हों, और यह भी हो सकता है कि जेल के सलाखों के अंदर चले गए हों सब अपनी जमानतें रद्द कराकर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है आयुष जी कि अगर अपराधी बाहर चले गए हैं और सभी लोग जो है जेल के सलाखों के अंदर चले गए हैं, तो अपराधी ना होने की वजह से क्या अब जो है वर्दी वाले गुंडे पैदा हो गए हैं? अब पुलिस जो है अपराध का, जो लोगों है अपराध का सारा सिस्टम अपने हाथ में ले चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज आयुष जी हालत यह है कि सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम को घर वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी इस सरकार में अब नहीं रह गई। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसमें जिसकी जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि रक्षा करे, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता उसके ऊपर भरोसा करती थी कि कहीं अगर आपत्ति आएगी, कहीं विपत्ति आएगी, तो कम से कम पुलिस हमारी रखवाली करेगी, पुलिस हमें सुरक्षा देगी। लेकिन आज जो रक्षा करने वाले लोग हैं वही जो है भक्षक हो गए, यह सबसे बड़ी बात है।